आज की जो क्लास है उसमें आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बचे हुए जो दूसरे फेज के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसपे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, वो आज की क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन हमारा वही फॉर्मेट रहेगा, हम सबसे पहले अपने जो क्लास के नोट्स हैं वो रिव्यू करेंगे, फिर ये जो नीट के जो नोट्स हैं इनको रिव्यू करेंगे, नीट और मेंस के जो नोट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, अगली जो प्रॉब्लम और वो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो ये आपके सामने। देखो, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ द सेल। अब की बार आपको ई सेल की वैल्यू गिवन दे दी गई है। ठीक है ना, ई सेल जो है, ई सेल ये आपकी वैल्यू आपको गिवन दे दी गई है, 0.28 वोल्ट है। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देखकर आप क्या बता सकते हो, ये रिएक्शन क्या है, जल्दी से बताइए भाई चैट सेक्शन में, और जितना हो सके चैट सेक्शन में अपने आप को एक्सप्रेस करो। नहीं करोगे अपने आप को एक्सप्रेस तो अभी नहीं तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, इंटरव्यू तक प्रॉब्लम होगी। वेरी गुड, ये रिया करेक्ट है, अंशिका करेक्ट है, जेसिका करेक्ट है, ये मयूर करेक्ट है। ये है आपकी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है ना, ये ओवरऑल रिएक्शन है और उन्होंने कहा है हाफ रिएक्शन बताइए और पीएच बताइए, क्वेश्चन में कहा है पीएच बताइए। तो देखो, अगर हम हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन को अगर हम देखें या फिर अपने शुरुआत करें वही एट एनोड, एनोड पे तो पता लग ही गया जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो यस जिंक एनोड पे होगा। कैथोड पे आपका एच पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ भी मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ, एच पॉजिटिव जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये एच बनता है, लेकिन एच कभी मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, तो दो डायटोमिक फॉर्म में करने के लिए 2 होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो ये डायटोमिक फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, ये आने के बाद 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, ओके, अगेन आपकी ओवरऑल वही आ गई जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब अगला जो स्टेप होता है वो है सेल रिप्रेजेंटेशन का। सेल रिप्रेजेंटेशन में ये जो 2 वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सॉल्ट ब्रिज होता है, लेफ्ट में एनोड होता है, तो एनोड वाली कंडीशन हमने लिख दी है। ठीक है, और राइट में जो कैथोड होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है याद रखो, हम नॉर्मली हम इसको कैसे लिखते हैं, एच पॉजिटिव स्लैश क्या, देखो ये रहा एच पॉजिटिव स्लैश क्या, एच टू लिखते, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एच पॉजिटिव स्लैश लगा के प्लेटिनम और कोमा लगा के एच टू ये लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये एस एच ई है, दिस इज योर एस एच ई। ठीक है ना, क्या कोई एस एच ई के अलावा इसका एक नाम और बता सकता है किसी में इतना दम कि कोई एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक नाम और बता सकता हो कोई? एस एच ई तो है, ठीक है यार, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आराध्या, लेकिन इसके अलावा कोई एक नाम और बता सकता है? वेरी गुड रिया, नाइस, आपका नाम ठीक है, बहुत बढ़िया रिया, और बहुत बढ़िया, मतलब अप्रिशिएटेबल रिया, एक आंसर आया इतनों में से। गोरख, दिस इज गुड बट नॉट बेस्ट, क्या कोई इसका एस एच ई का एक नाम और बता सकता है? रिया ने जो बताया वो ठीक है, बहुत हद तक अप्रिसिएटेबल। अब सुनो जरा ध्यान से, इसका एक नाम और, इसको एन एच ई भी बोलते हैं। एन एच ई का मतलब है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मयूर का जवाब बिल्कुल ठीक है, बढ़िया मयूर, इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, एस एच ई बोलते हैं, और इसको रेफरेंस पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है ना, रेफरेंस पोटेंशियल क्यों बोलते हैं आज की क्लास देखते रहो, 50 मिनट बाद आपके दिमाग में मन में कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, बहुत लंबी स्टडी करनी पड़ती है मुझे, 2 घंटे लगाने पड़ते हैं तब जाके मैं 1 घंटे की क्लास दे पाता हूँ, यानी 3 घंटे की पूरी बड़ी मेहनत है और हम ये 15 क्लास दे चुके हैं लगभग। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे जो कि गिवन दे रखा है इन्होंने, ये रहा 1 atm, तो इसको हम यहाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, प्रेशर जो एटमोस्फेयर 1 atm है। शुरुआत करते हैं अपनी, ई नोट सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि आपको तो पता ही है आयन को पहले लिखते हैं तो आयन पहले हो गया, एटम बाद में लिखते हैं, तो हम यहाँ इसको हाफ एच टू लिखेंगे। किसी के सर में दर्द हो रहा है कि यार ये तो यार थोड़ा जम बड़ा हो गया, तो कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई नोट यहाँ लिख दो 2H पॉजिटिव स्लैश लगा के एच टू यहाँ से देखकर। ठीक है, तब भी आपका कोई गलत नहीं करेगा, तो ये हो गया। अब ई नॉट एच की जो वैल्यू है तो मैंने कल ही बताई थी 0 होती है, और इसकी जो ई नॉट वैल्यू है जिंक की वो दे रखी है क्वेश्चन में ये रही। ठीक है, इसको यहाँ रख दिया तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी हमारा रास्ता साफ है, हमें ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला लगाना था। इसकी कंसेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन, दोनों ही कंसेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है,
ये कंसेंट्रेशन दे रखी है जिंक की और वो हाफ रिएक्शन बोल दी तो हाफ रिएक्शन तो ऊपर ही होगी, वो पीएच बोल रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन नहीं दी है। नहीं दिए को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन नहीं दी हुई। यानी आपको करना क्या है, दिमाग दिमाग में सोच लो, क्यों ना हम एक काम करें, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को निकाल लें और जैसे ही जो निकल जाए उससे हम पीएच निकाल लें, जो कि होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, राइट। तो यहां पर हम एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन निकालने पर अपना पूरा एफर्ट डाल देंगे। इनोट वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ये अभी अभी निकाली है। टू की वैल्यू तो पता ही लग रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन कटे हैं ये, इसकी वैल्यू गिवन है, प्रेशर 1 atm गिवन है, लेकिन जो गिवन नहीं है वो है आपकी एच पॉजिटिव। तो यही एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल, हम इसको शुरू करने वाले हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका, राइट, ये 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब माइनस की जो, ये पूरा माइनस और पूरा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, तो उठा के इसको एक तरफ ले जाओ और इस वैल्यू को यहाँ ले आओ तो ये माइनस हो जाएगी, होगी ना माइनस, ये वैल्यू आ गई। अब जो भी आपका आंसर है उसमें से इसको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड कर दो 0.48 से। डिवाइड करने के बाद तो देखो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा और फिर जो आएगा वो है 16.28। अब 16.28 से क्यों ना हम एक काम करें, 10 की पावर जो -1 है इसको लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी, इसको क्या कहते हैं लॉग ए अपॉन बी, जिसको क्या कहते हैं लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये लॉग ए हो गया, ये माइनस का लॉग बी हो गया, राइट। 10 की पावर -1 को -1 log 10 लिख सकते हैं, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो हट गया ये, -2 log H पॉजिटिव आ गया। अब -1 जो रह गया, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, वो हट चुका है, -1 को यहाँ फेंक दो, 16 का 17 हो गया, क्लियर। अब जो -2 रह रहा है इसको डिवाइड भी कर दो, डिवाइड करोगे तो माइनस वैल्यू है, ठीक है, यहाँ माइनस, एक काम करो यहाँ, यहाँ ना इन्होंने गेम खेल रखा है, माइनस को यहीं पे रखा है, देखो मैं यहीं पे रखा है और सिर्फ 2 को डिवाइड किया है, तो आंसर आया 8.64, ठीक है। अब माइनस जो वैल्यू है उसका कुछ मत करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए माइनस लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, अभी अभी बताया था, इसको बोलते हैं पीएच। तो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव को हमने डायरेक्ट पीएच लिख दिया, क्योंकि इसको पीएच, नहीं तो हम एच पॉजिटिव निकालते, 4 लाइन और एक्स्ट्रा होती, फिर पीएच निकालते, तब भी आंसर यही आता। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, और बहुत बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन था, इसकी जितनी भी तारीफ कर लो इस क्वेश्चन की खत्म है, जितने भी क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर में कभी ना कभी आए हुए हैं। अब और कितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं वो, तो देखो एक क्रिएटिविटी कमाल की दिखाई गई है, इन्होंने यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हुए बता दिया कि इसकी ई नोट वैल्यू ये है, और यहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करके बताया इसकी वैल्यू ये है, दोनों में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कई बच्चे तो यही कंफ्यूज जाएंगे यार, एक में गेन तो एक में लॉस होना चाहिए था ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन है ना, ये देना फिर उसके बाद ये देना, वो चाहते तो इसकी जगह डायरेक्ट ये भी दे सकते थे, ठीक है ना, वो चाहते तो वो डायरेक्ट इसकी जगह क्या दे सकते थे, ये हिस्सा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के बेवकूफ बनाने के लिए गेम खेला है। असल में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन या रिडक्शन पोटेंशियल बोल लो, रिडक्शन पोटेंशियल इसके लिए सही शब्द है। इस पूरे ई नोट में आयन पहले एटम बाद में, इसको इन्होंने ऐसे घुमा फिरा के दिया है, देखो यहाँ भी देखो आयन पहले एटम बाद में, आयन पहले एटम बाद में, यानी यहाँ भी आपका ये ई नोट Ag पॉजिटिव स्लैश Ag जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 0.80, ये दे रखी है। तो कुल मिला के इन्होंने इतना लंबा खींच के इसको रखा है, ये चाहते तो इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, ये वैल्यू लिख सकते थे ई नोट Ag पॉजिटिव इसकी है। अब वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ए गैल्वनिक सेल, यानी सेल रिप्रेजेंटेशन बताइए, ठीक है यार, यूजिंग अबाउ डाटा बताइए कि कंसंट्रेशन Ag पॉजिटिव की क्या होगी अगर EMF 0 दे दी जाए तो, ठीक है ना, 0 वोल्ट है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में EMF 0.28 थी, यहाँ 0 ही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर की वो दे रखी है और Ag की पूछ रहे हैं, वहां पर कंसंट्रेशन किसकी पूछ रहे थे, H पॉजिटिव की, यहाँ कंसंट्रेशन किसकी पूछ रहे हैं, Ag पॉजिटिव की। तो क्या आप इस क्वेश्चन में देखकर सिर्फ ये बता सकते हो कि एनोड पर कौन आएगा, मैं इसको ढक लेता हूं, क्या कोई देखकर बता सकता है एनोड पर कौन आएगा, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है। अब आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके तो नहीं बता सकते ना एनोड पर कौन आएगा, तो जल्दी से चैट सेक्शन में फिर जाइए, फिर बताइए एनोड पर कौन आएगा। खुशी का जवाब बिल्कुल ठीक है, यशिका बिल्कुल ठीक है, अंशिका ठीक है, रिया ठीक है, रिया दैया कोरक्स ठीक है,
बिल्कुल भाई, आंसर है कॉपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों में से कम वैल्यू किसकी है? कॉपर की है। जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग। और रिड्यूसिंग वाले को ही क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड। कैसे पता करोगे ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है? याद करो, हमने एक बार ये भी लिखा था, एन ऑक्स एक बेल, और क्या था? रेड कैट। कैट है जो रेड है। तो यहां पर एन ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होगा? एनोड पे होगा। रिडक्शन हमेशा कहाँ होगा? कैथोड पे होगा, ठीक है ना। रेड कैट और एन ऑक्स से हम पता कर सकते हैं। तो यहां पर तो पता लग ही गया कि ये कॉपर ही आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो यहाँ पर कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, कैथोड पे इसने एजी ने गेन कर लिए। इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होने ही चाहिए ताकि एन की वैल्यू आ जाए कटने के बाद। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ चुकी है। अगला स्टेप है सेल रिप्रेजेंटेशन। ये दो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्ट ब्रिज को। लेफ्ट में आपका एनोड ही होगा, तो ये एनोड पे कॉपर को लिख दिया। राइट में कैथोड ही होगा, कैथोड को लिख दिया। बट देखो, कैथोड की जगह यहाँ कंसंट्रेशन में क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये ही तो हमें निकालना है। एनोड सेल की वैल्यू हमें कैथोड माइनस एनोड करके सेल रिप्रेजेंटेशन को देख कर निकाली, जो कि पहले से गिवन थी। ये देखो, दोनों वैल्यू गिवन है ऊपर ही, तो वैल्यू आई 0.46 आ गई। अब यही वैल्यू को हम अपने मेन फॉर्मूले में लिख रहे हैं, जिसे ई सेल या फिर नर्स्ट इक्वेशन भी बोल सकते हो। इनोड सेल है 0.46 माइनस में 0.059/2। 2 का मतलब एन की वैल्यू जो कटे थे इलेक्ट्रॉन, डिवाइड करोगे तो हर बार ये 0.0295 ही आएगा। लॉग कॉपर की कंसंट्रेशन दे रखी है एग्जाम क्वेश्चन में, ये रही, ठीक है। और यहाँ पर एजी की निकालनी है, तो हमें क्या करना है? देखो, यहाँ तो जीरो है क्योंकि पहले ही बोल दिया जीरो है। ये पूरा जो नेगेटिव हिस्सा है मल्टीप्लाई के साथ, इसको उठा के लेफ्ट में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव होने के बाद ये 0.46 यहाँ पे है। अब इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा? ये देखो, 0.09 ये डिवाइड कर दिया, क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो लॉग 10 की पावर -2 क्या हो जाएगी? -2 log 10। लॉग 10 की पावर, एजी की पॉजिटिव पावर 2 है, तो 2 AG पॉजिटिव। अब लॉग 10 तो क्या है? 1 हो जाएगा। -2 को फिर यहाँ पे फेंक दो तो 15 का 17, 15 + 2 17। फिर 2 को डिवाइड, -2 को डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पीएच थोड़ा निकालनी है कि माइनस को ऊपर ही रखेंगे। या तो -2 को डिवाइड कर दो, और एजी है उससे पीएच क्या निकलेगी? तो 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। माइनस को यहाँ फेंक दिया, ये आ गया। अब लॉग को यहाँ फेंका तो ये एंटी लॉग आ गया। एंटी लॉग में वैल्यू कैसे देखते हैं माइनस वाली? किसी को नहीं पता है, कोई बेचारा नया स्टूडेंट है तो मैं बता देता हूँ। एंटी लॉग में वैल्यू देखना कैसे होता है? 7, 9, 5। 10 की पावर क्या हो जाएगी? अगर 8 है तो 1 बढ़ा दो, -9 कर दो, हो गया ना -9। और जो भी वैल्यू है आपकी उसको 1 में से माइनस कर दो। क्या है? 0.795। तो 10 में से 5, 5, 9 में से 0, 9 में से 2, ये आ गया। अब वैल्यू किसकी देखनी है? 0.20 की 5 में देखनी है। वैल्यू किसकी देखनी है? 0.20 की 5 में देखनी है। तो लॉग एंटी लॉग हालांकि हम पहले भी कर चुके थे, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये टेबल ऐसी आएगी आपको, एंटी लॉग है ऊपर, लॉगरिथम की टेबल है ये वाली, ठीक है। तो एंटी लॉग में 0.20 की 5 कैसे देखते हैं वो भी देखते हैं। देखो, ये है आपका 0.20, राइट। इसकी 5 में पहले 0 होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1603 आंसर है आपका, 1603। तो देखते हैं क्या यही आंसर है। हाँ जी, यही आंसर है, 1603। ये रहा (10^-9)। तो ये नेगेटिव वैल्यू को देखने का तरीका होता है एंटी लॉग में। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार पॉजिटिव का क्या होता होगा, तो मैं वो भी बता देता हूँ। अगर बाई चांस आपका पॉजिटिव का होता तो ये पॉजिटिव 8.795 है, तो पॉजिटिव का तो बहुत आसान होता है, सीधा सीधा पॉइंट से पहले जो भी है 10 की पावर कर दो, और फिर सीधी वैल्यू जैसे अभी देखी है 0.79 की 5 में देख लो, लिख दो, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, जैसे यहाँ पर हमने 1 के बाद पॉइंट लगाया, ये रहा। क्लियर? आगे चलते हैं एक और लास्ट केस, लास्ट केस, उसके बाद तो फिर नए टॉपिक आ जाएंगे। लास्ट केस क्या है? यहाँ पे केस है कि 1/2 सेल, एक हाफ सेल है वोल्टिक सेल का, जिसमें बताया गया है कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द सिल्वर वायर, जिसको डिप किया गया है AgNO3 में, सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। यहाँ भी सिल्वर की कंसंट्रेशन नहीं पता, तो यहाँ भी हम सिल्वर की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
अच्छा अननोन कंसेंट्रेशन। अदर हाफ सेल में क्या है, जिंक को डाला गया है 0.1, इसकी कंसेंट्रेशन पता है, जिंक नाइट्रेट में डाला गया है। वोल्टेज कितनी आ गई 1.48, तो ये आपकी ई सेल की वैल्यू आ गई है जी, क्या 1.48, राइट। अब यहाँ पर एम इज मेजर्ड फॉर दिस सेल, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन अगर ई नोट जिंक की और ई नोट एजी की गिवन है, तो ये दोनों ई नोट हमें ई नोट सेल प्रोवाइड करेंगी, तो हमें तो शुरुआत वैसी करनी है। यहाँ पर हम कैसे देखकर बता सकते हैं कि कौन सा आपका एनोड पर आएगा, तो आंसर है जो वैल्यू ज्यादा कम होगी, नेगेटिव होगी, जैसे ये जिंक की साफ दिख रही है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है जिंक एनोड पे ही आएगा। जो नेगेटिव होगा एनोड पे, सिंपल यार, खत्म करो इसे। जिंक ने लॉस कर दिए इलेक्ट्रॉन, कैथोड ने एजी ने गेन कर लिए, दो इलेक्ट्रॉन कट गए तो एन की वैल्यू 2 आ गई। फिर से सेल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने, वही घिसा पिटा बार बार, फिर कैथोड माइनस एनोड यानी एजी माइनस जिंक करा, फिर से आपका आंसर पॉजिटिव में आया है और ये आया है, ठीक है। अब सेल ई सेल की वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, ये ई नोट सेल अभी भी निकाली है, ठीक है, ये वैल्यू तो डिवाइड करेंगे, यही आ रही है बार बार लॉग, इसकी वैल्यू 10^-1 है, ये निकालनी है, सेम प्रोसेस, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, इसको यही रखो, नहीं माइनस में है ये, तो इसको उठा के लेफ्ट में ले जाओ, प्लस में हो जाएगा, और इसके यहाँ लाके माइनस कर दो। माइनस करने के बाद ये आएगा आपका, जो भी आएगा माइनस करने के बाद, उसको फिर आपको ये 2.0.295 से डिवाइड करना है। किसी को स्टेप ज्यादा लग रहे हो तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, 0.0295 लॉग 10^-1 अपॉन में ए जी पॉजिटिव की स्क्वायर, ये यहाँ पे है और यहाँ पे आपका लेफ्ट में राइट में आ गया, और ये आपका 1.563 माइनस का 1.48 1.48 यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी माइनस करने के बाद आएगा जो कि है 0.083, अब इसको हम इस मल्टीप्लाई के इस वाले पोर्शन से डिवाइड कर देंगे 0.0295, तो यहाँ हमारा जो रहेगा वो लॉग 10^-1 है, और डिवाइडेड है तो माइनस का लॉग ए जी पॉजिटिव की पावर 2 है, तो यही चीज इन्होंने भी की है यहाँ पे। तो ऐसा करने के बाद यही अब -1 है, -1 यहाँ ले जाओगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये 2 है यहाँ पे, तो अब ऐड होने के बाद सब कुछ ये 2.81 की जगह क्या हो गया, माइनस का 3.81 होना ही था, ठीक है ना, तो -2 है तो यहाँ पर ऐड होने के बाद, अब जो नेगेटिव साइन इसका है उसको हम करेंगे इससे डिवाइड, 2 से डिवाइड, और हमारा जो भी आएगा वो ए जी पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। किसी को डाउट हो तो एक बार जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, क्या क्या किसी को कोई डाउट है, तो मैं उसी पोर्शन को आपको दोबारा करके बता दूंगा। इफ एनीवन हैज डाउट, ओके ओके, जिन भी बच्चों का डाउट है वो देखो एक बार, -1 log 10, लॉग 10 को कहते हैं 1, ये माइनस का जो 2 है वो आगे आ जाएगा, तो 2 log Ag पॉजिटिव, और इसकी डिवीजन जो आई है वो आई है 2.81, राइट। अब माइनस लॉग 10 तो 1 होता है, -1 को वहां ले जाओ तो -2 log Ag पॉजिटिव, और यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3.81। अब अगला स्टेप तो आपको पता ही है यार, log Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू 3.81 को डिवाइड कर देंगे -2 से, और डिवाइड होने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1.905। दिस इज योर लॉग ए जी पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब करना क्या है आपको, वही करना है जो अभी अभी मैंने किया था, एंटी लॉग करना है किसका, माइनस वाली वैल्यू का 905। तो क्या होता है, -1 है तो इंक्रीज कर दो एक को, -2 कर दो, और 0.905 को किसमें से माइनस कर दो, एक में से, अगर ये माइनस वाला केस है तो, जो भी माइनस करके देखोगे फिर एंटी लॉग देखोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, है ना, -2, हमारी भी -2 थी, तो ये आपका यहाँ तक का केस होता है सॉल्व। अब जो नए केस आपके सामने आए हुए हैं इनको भी हम देखेंगे एक बार, जो नए केस हैं क्या है ये नए केस, देखो एक बार जल्दी से रिव्यू करते हैं भाई इसको भी। अगर बाई चांस एक ही सिंगल हाफ सेल दे रखा हो और आपसे कहे अब बताओ ई नोट क्या होगा, ई सेल क्या होगा, तो अब कैसे निकालोगे भाई, अब एक ही है इलेक्ट्रोड, तो यहाँ ये ई नोट हटा दो, इस तरफ ई सेल आएगा, यहाँ ई है, पहले आयन फिर एटम, ई सेल में भी फिर ई नोट करके फिर आयन फिर एटम, ये तो पता ही है,
ये हर बार जितना भी जब भी कभी एक हाफ सेल आएगा, याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन होते दिखाई देंगे आपको, ये नहीं कि लॉस होते। आपको पता है ना हम क्यों पहले आयन लिखते हैं और बाद में एटम लिखते हैं, बस ये वही चक्कर है। एम एन पॉजिटिव, एन यहाँ पर ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो यहां तक तो आपको पता लगेगा, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ये भी पता है नेचुरल लॉग, राइट का आयन अपॉन में लेफ्ट का आयन, राइट में तो कोई आयन है ही नहीं तो वन लिख दिया, लेफ्ट में आयन है तो एम एन पॉजिटिव लिख दिया। इसी को अगर मान लो यहाँ पर नेचुरल लॉग को हटाओगे तो 2.303 एन की वैल्यू, एफ की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, सभी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पुट करने के बाद देखो कॉपर का एग्जाम्पल देके भी बेचारे समझा रहे हैं, कॉपर ई सेल क्या है पॉजिटिव, फिर ई नोट सेल कॉपर की पॉजिटिव आयन एटम, फिर ये फिर नेचुरल लॉग, जिंक को भी देके बता रहे हैं ये कि जिंक के केस में करोगे जिंक का भी देखो वही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों क्यों? क्योंकि ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, और रिडक्शन पोटेंशियल का रूल क्या होता है, पहले आयन फिर एटम, पहले आयन जिंक टू पॉजिटिव फिर एटम, दोनों का रिडक्शन, और दोनों से अगर हम ये निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यू वही आ जाएगी सेम आर टी नेचुरल लॉग वगैरह वगैरह, करना कुछ नहीं है, वन में से टू को माइनस कर दो तो पूरा सेटअप क्या बन जाएगा आपका, ये निकल के सामने आएगा आपका, ठीक है। और ये वैल्यू जो माइनस करोगे तो नेचुरल लॉग है तो ये तो माइनस नहीं तो डिवाइड होंगी, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद ये कंप्लीटली ये आ जाएगा। फिर अगला ही स्टेप आपका जो होगा वो आपका ये बन जाएगा, ये पूरा का पूरा ई सेल आर टी नेचुरल लॉग एन एफ, और ये आपका सेटलमेंट हो गया राइट अपन अपन लेफ्ट का ऑटोमेटिकली आ गया। तो एक तरह से डेरिवेशन ही चल रही है, नेचुरल लॉग को हटाओगे हटाओगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर लोगे तो फाइनल आपका रिजल्ट जो निकल के सामने आएगा वो ये आएगा। इसको हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसको भी नर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो अब तक इसको डेराइव करने के लिए बताया गया है, ठीक है। हालांकि अब हम अगले जो सेटअप की तरफ चल रहे हैं, एक न्यूमेरिकल ये भी है आपका, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन क्या होता है, सेम एच पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन हाफ एच टू, सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन की बात हो रही है, यानी यही ये भी हाफ रिएक्शन है आपकी, सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एस एच ई में सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है एक, ठीक है, ये भी उसके साथ भी वही करेंगे हम जो अभी तक करते आए। ई सेल को क्या लिखेंगे, ई एच पॉजिटिव से लेस एच टू इज इक्वल टू ई नॉट एच पॉजिटिव से लेस एच टू माइनस 0.059 बाई एन लॉग वन अपॉन एच पॉजिटिव। पीएच क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। सोचो अगर पीएच 10 है तो एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन क्या होगी, सीधी सीधी 10^-10 होगी, नो डाउट। तो एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन आपको मिल चुकी है, उसको यहाँ पुट कर दो, ऊपर ले जाओगे -10 को तो ये +10 हो जाएगी, देखो -10 को ऊपर ले जाओगे तो +10 हो जाएगी। 10^10 को क्या बोलते हैं, 10 log 10 की वैल्यू 1 है तो यहाँ 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.59, दिस इज योर आंसर। कोई बता सकता है ई नोट सेल की वैल्यू 0 हुई क्यों, चलो मत बताओ, ये तो आसानी है, ई नोट सेल हाइड्रोजन की हमेशा 0 ही होती है। अच्छा वो यहाँ 1 क्यों आया भाई एन की जगह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही था, राइट। तो ये क्वेश्चन भी खास है एनसीईआरटी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लेवल हमारा शुरू होता है कि अगर बाय चांस मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन में, मैं कह दूं एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम पे आप दो काम करोगे, एक केसी निकालोगे, केसी क्या होता है आपका जिंक टू पॉजिटिव ऊपर आ गया और कॉपर टू पॉजिटिव नीचे, यानी 11th क्लास इक्विलिब्रियम चैप्टर केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हम एटम को नहीं लिखते क्योंकि ये यूनिटी होता है, आयन को लिखते हैं, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आपका जो पूरा जो सेटअप है, जो बल्ब जला हुआ है, सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, कंसंट्रेशन जितनी, वो बल्ब बंद हो जाता है, सेटअप बंद हो जाता है पूरा का पूरा एट इक्विलिब्रियम पे, तो ई सेल क्या आती है आपकी 0। सोचो अगर ई सेल की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी, ये 0 रख दी और यहाँ ई नोट सेल है, ठीक है ना, ई नोट सेल है और माइनस का ये हिस्सा क्या बन जाएगा भाई, ये हिस्सा ऊपर देख लो, ये हिस्सा बन जाएगा आपका केसी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो लॉग केसी सीधा सीधा लिखेंगे हम, लॉग केसी। अब ये माइनस की पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में इसको अगर आप लेफ्ट में लाओगे, यहाँ लाओगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नोट सेल इक्वल टू
0.059/n log kc, एक हो गया। डेल्टा जी नोट का भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपने 11th में पढ़ा है, माइनस का 2.303 RT log kc। डेल्टा जी का एक ये फॉर्मूला भी होता है, माइनस का एन ई नोट एफ, ठीक है ना। और मैक्सिमम वर्क क्या होता है, ये माइनस डेल्टा जी होता है, ठीक है ना। तो ये माइनस डेल्टा जी नोट हो गया। तो यहाँ पर ये चार कितने फॉर्मूले हो गए, 1, 2, 3, 4, ये चारों फॉर्मूले पर अगले न्यूमेरिकल हैं जो बड़े आसान आसान से और जो आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। फेराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। चलो तो पहला न्यूमेरिकल की तरफ अटैक करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकाल के दिखाओ। अगर ई नोट सेल की वैल्यू ये दे रखी है तो आप खुद ही देख लो एक बार, इसमें से केसी की वैल्यू ये दे रखी है तो दो फॉर्मूले सेट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आपको राय दूंगा, हमेशा राय दूंगा, ऐसी सिचुएशन में आप ई नोट वाला फॉर्मूला ही लगाओ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होती है, ठीक है ना। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है लॉग केसी वाले में, तो मैं हमेशा राय दूंगा आप ई नोट वाला ही फॉर्मूला लगाओ। तो वही एनोड, एनोड तो पता लग गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड भी पता लग गया, ओवरऑल भी आ गई, ई नोट सेल दे रखी है क्वेश्चन में, ये ई नोट सेल। अब ई नोट सेल के बाद सारी वैल्यू अगर रखोगे यहाँ पर लॉग केसी, तो केसी तो आपको फाइंड आउट करना है, तो लॉग केसी यही रहेगा, ये वैल्यू यहाँ आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे डिवाइड कर दो, लॉग केसी की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। केसी यही रखोगे तो एनटी लॉग 15.59 हो जाएगी। अब पॉइंट 15 जो है वो 10 की पावर 15 होगी, और ये 0.59 की वैल्यू जीरो में देखोगे क्या, एंटी लॉग, तो आपको ये आ जाएगा। अब देखो ये एंटी लॉग पॉजिटिव था इसलिए आसान है, एंटी लॉग 15.59, तो 10 की पावर क्या होगी, सीधा सीधा 15, और 0.59 की जीरो में देखोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चले तो ये भी बिल्कुल सिमिलर ही है, दोनों की कंसंट्रेशन आपको गिवन दे दी है, बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या है, यानी इसमें भी कुछ खास था नहीं, एनोड कैथोड ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन, ई नोट माइनस एनोड कैथोड माइनस एनोड, ई नोट आ गया आपका, ये वैल्यू पुट कर दो, ई नोट सेल की वैल्यू दे ही रखी है, केसी आपका अगेन वो, यानी सेम सेटअप, कुछ था ही नहीं अलग। फिर से केसी निकाल के दिखाओ, अभी भी कुछ भी अलग नहीं है, यहाँ भी साफ दिख रहा है आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो एनोड पे आयरन, कैथोड पे कैडमियम, ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन, ई नोट कैथोड माइनस एनोड, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ये ई नोट है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो 2 से, डिवाइड कर दो, ये आ गया। अब एंटी लॉग ले लोगे, अगेन आंसर वही आ गया, 10 की पावर केसी की वैल्यू ये आई है आपकी 1.35, तो 10 ये एंटी लॉग देखने के बाद की वैल्यू है, ये यहाँ पर आपका आएगा केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.35, तो 10 की पावर 1, ये ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्लो बताऊंगा, क्योंकि ये आपका 2 बार एग्जाम में आ चुका है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। टिन 4 पॉजिटिव, टिन 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 0, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो यहां पर एनोड पर आप किसको रखोगे, देखो 4 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तभी तो वो 2 पॉजिटिव आया है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैथोड होता है, रिडक्शन, तो ये कैथोड पर टिन आ गया, ठीक है। अच्छा क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं यहाँ पर, 3, तो क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब यहाँ पर अगर आप लिखोगे इसने 3 लॉस किए, इसने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए, अभी तो अलग अलग है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6, 3 2 6 तब आएगा। ये ओवरऑल होगी सेल रिप्रेजेंटेशन, आपको पहले ही पता ही आ गया, वही फॉर्मूला फिर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर ई नोट की सेल की वैल्यू दे रखी तो क्वेश्चन और आसान हो गया, सीधा सीधा ई नोट रख दिया हमने, और केसी लॉग की आ गई। यहाँ भी बड़ा वो लिख रखा है इन्होंने कि केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग 90, बताइए चैट सेक्शन में आंसर क्या होगा, देखते हैं क्या इसका एंटी लॉग निकाल सकते हो, चैट सेक्शन में बताइए आंसर क्या होगा, एंटी लॉग 90 क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया यशिका, वेरी गुड, रितु ठीक है, यशिका, रितु, दैया बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, मनीषा बिल्कुल ठीक है, नाइस। देखो करने का तरीका क्या है, मैंने क्या बताया था, 0.00 भी तो कर सकते हैं। अब एंटी लॉग क्या होता है, जो भी पॉइंट से पहले है वो पावर में गया, 0.00 की जीरो में वैल्यू क्या होती है,
भाई देख लो 0.00 की जीरो में भी होती है, तो ये है आपका एंटीलॉग, और यहाँ देखो एंटीलॉग में 0.00 की जीरो में क्या है, 1000, यानी 1000। चलो अभी 1000 अगर मैं लिख दूं यहाँ, 1000 पॉइंट कहाँ लगाएंगे, एक के बाद, तो आंसर क्या आया, आंसर तो रफली यही आ गया ना, 10 की पावर 19। दिस इज योर आंसर, 10 की पावर 19। एक क्वेश्चन ये भी आया है, केसी और डेल्टा जी दोनों निकालो अगर ई नोट सेल की वैल्यू ये है। फिर से हमें पता लग गया यहाँ पर कोई देख के बता सकता है इन दोनों केस में एनोड पर कौन आएगा, सोच समझ के भाई, एनोड पर कौन आएगा, आयरन या आयोडीन, एनोड पर कौन आएगा। वेरी गुड रितु, शिवानी ठीक है, रिया ठीक है, आराध्या ठीक है, यशिका ठीक है, रितु ठीक है, मनीषा ठीक है, गौरव ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। आयोडीन जो है वो आएगा आपका एनोड पे, क्योंकि देखो आयरन ने तो 3 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, 3 पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव, तो गेन करे ना उसने, तो लॉस कौन करेगा, आयोडीन। आयोडीन असल में इस तरह से लॉस, ये दोनों रिएक्शन में करके दिखाता हूँ, आयोडीन सिंगल नेगेटिव होता है, और अगर ये लॉस कर दे तो सिंगल आयोडीन बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन ये सिंगल आयोडीन मोनोटोमिक फॉर्म में रहता ही नहीं, इसलिए ट्वाइस करो ट्वाइस करो ट्वाइस करो। वैसे ही आयरन को 3 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करो तो यहाँ आयरन 2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, आपकी एन की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पर इसी तरह से एन की वैल्यू 2 आई है आपकी, पहली प्रेजेंटेशन वही है यार, नॉर्मल I2/I एनोड पे जो है आयोडीन, कैथोड पे आयरन है, वही 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो भी देख के लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इससे ये हुआ है चार्ज, तो आयन अपोन में कैसा आयन, देखो मान लो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 1 कॉपर गेन करा तो कॉपर आ गया, तो पहले आयन फिर एटम होगा ना, तो यहाँ पहले बड़ा आयन लगाना चाहिए था इस बच्चे को, फिर एटम फिर छोटा आयन, ये होगा। बाकी तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा है। फिर से आ गया एंटीलॉग 8, 8 का वही होगा 10 की पावर 8। डेल्टा जी नोट भी निकाले तो -NeF, एन होता है जितने इलेक्ट्रॉन कटे हैं, 2 हो गया। ठीक है, ई नोट ऊपर ऊपर अभी हम निकाल के हटे हैं, ई नोट निकाल के क्या आते हैं, क्वेश्चन में गिवन ही है ये रहा। अच्छा, फेराडे होता है 96,500 कॉलम, मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसी ही चीज बता रहा है, ये लास्ट है आपका, चलो सेकंड लास्ट है, एक एक ही रह गया अब तो। डेल्टा जी नोट जो है मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए कहा गया है, तो यहाँ भी ई नोट दे ही रखी है, तो एनोड कैथोड पहले प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, ई नोट का फॉर्मूला लगाया, सीधा सीधा आंसर। डेल्टा जी निकालना है यहाँ पे, ओ सॉरी, केसी भी निकालना है यहाँ पे, तो केसी तो सीधा सीधा आंसर, और ये -NeF लगा दो, सीधा सीधा आंसर। मैक्सिमम वर्क क्या होता है, माइनस डेल्टा जी नोट, जो भी डेल्टा जी नोट आया है उसका माइनस में आया तो प्लस कर दो, ये आपका मैक्सिमम वर्क आ गया। इस वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम है, आपको आए योरियम, योरियम होता है गोल्ड, ये है आपका कॉपर, ठीक है, दोनों में एनोड पे आपका योरियम यानी गोल्ड है, ये तो गोल्ड है, यहाँ पर आपका कैथोड है, ये ओवरऑल है, ये आपका NeF हो गया, 6 वैल्यू, 6 इलेक्ट्रॉन कटे हैं, ई नोट वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे ही रखी है, माइनस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आएगा जो आंसर, वो आपका डेल्टा जी नोट आ गया। अब यहाँ एक चीज और खास है देखने लायक, समझना जरा ध्यान से, एक नई चीज सीख के जाओगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि रिएक्शन देखकर बताइए एनोड पर कौन होगा, तो आप क्या बोलोगे, कम ऑन हरी अप, रिएक्शन देखकर बताइए एनोड पर कौन होगा, रिएक्शन देखकर बताइए एनोड पर कौन होगा। यशिका ठीक है, रितु ठीक है, यशिका गर्ग भी ठीक है, खुशी ठीक है, सारे ठीक हैं, आराध्या ठीक है, शिवानी ठीक है। अब दूसरी बात सुनो मेरी, दूसरी बात, अब देखना गेम पलट जाएगा। ई नोट वैल्यू देखकर बताइए एनोड पे कौन होगा, ई नोट वैल्यू को देखकर अगर हम बताएं एनोड पे कौन होगा, तो साफ साफ पता लग रहा है ई नोट पर एनोड पे कौन होगा, बताइए, रुको मत, वही बताओ अपना आंसर, बिल्कुल रिया। अगर हम इसको देखें तो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर एनोड पर होगा कॉपर, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, ये कह रहा है एनोड पे गोल्ड होगा, ये कह रहा है एनोड पे कौन होगा, कॉपर, तो हम किसकी मानेंगे आंसर, हम ओवरऑल रिएक्शन की मानेंगे हर बार।
और देखो इसमें ये भी पूछा गया है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉट, तो आंसर जो भी आया हमारा वो डेल्टा जी नॉट का क्या आया, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव साइन इंडिकेट द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब रेजिस्टिव वाले क्वेश्चन जो है जाहिर सी बात हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन जो टॉपर वन है, जो आप एक्स्ट्रा चीज सीखोगे वो यहां से सीख सकते हो। तो अगले 10 मिनट फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई इसको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसने ना जो बातें हमने बड़े इजीली समझ ली, अब ये अपने लैंग्वेज में इसको सिखाने की कोशिश कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ गए ना, दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर उन्होंने कहा है गैल्वेनिक सेल में हम एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, कैथोड को राइट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है ना। एनोड को रखते समय मेटल जो है पहले लिखते हैं और फिर इलेक्ट्रोलाइट बाद में लिखते हैं, याद होगा आपको ये इस तरीके से कॉपर स्लैश कॉपर टू पॉजिटिव, तो मेटल पहले इलेक्ट्रोलाइट बाद में, ठीक है। और आगे चलें तो अगर सिर्फ एनोड को ही रिप्रेजेंट करना है तो तीन तरीके हैं, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो आयन कंसेंट्रेशन के साथ, या फिर एक और जेंटलमैन तरीका होता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये जो साइन होता है इसका, ठीक है ना, सेमी कोलोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा चैट सेक्शन में इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ये जो साइन है, साइंस स्टूडेंट है, सेमी कोलोन है तो चलो ठीक है भाई, ये सेमी कोलोन है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही कैथोड में इसका पोर्शन उल्टा हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीन तरीके बताए इन्होंने। सोल्ट ब्रिज क्या है, सोल्ट ब्रिज में टू हाफ सेल होते हैं और दो वर्टिकल लाइन ऐसे दिखाई जाती हैं, लेफ्ट में एनोड राइट में कैथोड होता है, ठीक है, इसे सेल नोटेशन भी बोल देते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से दिखाया गया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम वर्क का आज ही हमने देखा है फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा जी नोट। मैक्सिमम वर्क अगर माइनस ये साइन है तो ये वैल्यू तो प्लस में हो जाएगी फिर तो, और नॉर्मल जो होती है किसमें होती है डेल्टा जी की, माइनस एन ई नोट एफ, ठीक है। ये भी आसान था, ये वो फॉर्मूला भी आज हम लिख चुके हैं इसको भी, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है डेल्टा जी का, ये फिजिबिलिटी बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाए तो दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, लेफ्ट में होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, एक लेफ्ट में होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ हाफ सेल, या तो वो गेन करे या लॉस करे। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट की वैल्यू की बात करें हम, तो लेफ्ट वाला जो है जैसे जिंक था हमारा, जिंक टू पॉजिटिव स्लैश जिंक, तो ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, ठीक है, जैसे 1.86 है। और राइट वाला दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो वैल्यू क्या दे रहा था, जैसे कॉपर टू पॉजिटिव स्लैश कॉपर है, तो ये प्लस वैल्यू दे रहा है 0.34। तो क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब है इसकी इतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू का मतलब है ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है, ऑक्सीडेशन करना चाह रहा है, ये ज्यादा नेगेटिव ज्यादा रिड्यूसिंग, जो रिड्यूसिंग वो ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है ना, वो इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को बोलते हैं ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है वो गेन। दो तरह के होते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात करेंगे, एक है आपका रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको, ये गेन करने की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक सबूत है, एविडेंट है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल रिडक्शन पोटेंशियल अगर मान लो जिंक की इतनी है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक की वही पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेचर ऑफ मेटल कंसंट्रेशन टेम्परेचर इस पर डिपेंड होता है। ईएमएफ वही बात बोलेगा जो अभी मैंने आपको बताई थी, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल समझ रहे हो, जैसे ई नोट वैल्यू कॉपर की मैंने क्या बताई थी अभी, पॉजिटिव 0.34, और यहाँ जिंक की वैल्यू मैंने क्या बताई थी अभी, जेड एन टू पॉजिटिव स्लैश जेड एन की वैल्यू क्या बताई थी, माइनस का 1.76 मान लेते हैं यार, ठीक है। तो इसकी बताइए हायर किसकी है, चलो कम ऑन चैट सेक्शन में, हायर किसकी है, जिंक या कॉपर,
हायर किसकी है, समझो इनकी लैंग्वेज, सारा खेल समझ में आ जाएगा। हायर किसकी है, शिवानी करेक्ट है, वेरी गुड, अंशिका गलत है। मैं कह रहा हूं हायर वैल्यू किसकी है, देखो यही तो खेल है, यही तो खेल है भाई। हायर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ज्यादा इसकी है पॉजिटिव में, ठीक है ना, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, करता है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिसकी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होती है, ये देखो कम है इसकी, वो क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, पता है ना इसके बारे में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दोनों इलेक्ट्रोड का गेन करना लॉस करना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। क्लियर? अच्छा कोई बता सकता है ईएमआर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस को? यशिका, यति खत्री, वेरी गुड यति, अच्छा है। लेकिन यति आज ऑफलाइन क्लास में था तो इसने बता दिया। और आराध्या, वेरी गुड, ये करेक्ट है, करेक्ट आंसर है पोटेंशियोमीटर, जो फिजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये ई नोट सेल की वैल्यू है जो इन्होंने दिखाई है, कैथोड माइनस एनोड, इस पे तो सारे न्यूमेरिकल कर दिए हमें। ये देखो इन्होंने भी लिखा हुआ है, ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे बोलते हैं, शी, इसका दूसरा नाम क्या है, नी, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका नाम क्या है, रेफरेंस पोटेंशियल, ठीक है ना, इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड या रेफरेंस पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब मैं आपको ध्यान से एक चीज बता रहा हूँ, उसको अपने दिमाग में रखना। अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं, ये जिंक टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक आ गया, सिर्फ जिंक की मुझे ई नोट वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो हम क्या करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड जिंक को किसके साथ, एस एच ई के साथ ज्वाइन करवा देते हैं। अब यहां पर एस एच ई क्या है, ये इसके कंपेरिजन में रेफरेंस पोटेंशियल है, आपने इसको रेफर किया है। और जैसे ही अब इसमें क्या होता है, सी में क्या होता है, आपको पता है एच पॉजिटिव स्लैश प्लेटिनम और कोमा लगा के एच टू, प्रेशर है इसका एटीएम में कितना, प्रेशर एच टू का कितना है, 1 एटीएम, ऐसे होता है, आपको याद है। ये पूरा सेटअप जो होता है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का होता है। इसको आप किसी भी मेटल के साथ ज्वाइन करके देख लो, ये आप इसकी वैल्यू तो खुद की तो जीरो होती है, दूसरे की एक्चुअल बता देगा क्या होगी, ठीक है। तो इसे रेफरेंस पोटेंशियल बोलते हैं। सिंस हाफ सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन वर्क ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अदर हाफ सेल, लेकिन जब डिफिकल्टी तब आती है जब ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कोई अदर हाफ सेल होता ही नहीं, तो वन ऑफ द इलेक्ट्रोड जिसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको लगा देते हैं और फिर हमें उसकी वैल्यू पता लग जाती है कि जिनकी ई नॉट वैल्यू Zn2 पॉजिटिव स्लैड Zn-1.76 है, ऐसे पता लग जाती है, ठीक है। यही बात वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बता रहा है कि ये डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है ई नोट वैल्यू किसी भी मेटल की, ठीक है ना, ई नोट वैल्यू। अच्छा अब इस पे अगर क्वेश्चन देखें तो रिलेशनशिप बताइए सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम पर तो सेल पोटेंशियल तो जीरो होता है, तो क्या रिलेशन बनेगा इसका, ई सेल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, तो इसका कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। वाई नॉट पॉसिबल टू मेजर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस अलोन, भाई सिंगल पे या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, इसीलिए इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, शी। नर्स्ट इक्वेशन की अगर बात की जाए, आज पूरी डेफिनेशन डेरिवेशन की है, तो नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल, ये जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इस पर डिपेंड होती है। नर्स्ट इक्वेशन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन। ये देखो नर्स्ट इक्वेशन उन्होंने ये ऐसे दिखाया है, जैसे हम भी कर चुके हैं, एम क्योंकि मेटल होता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, 1। ये देखो उन्होंने भी लिख दिया, सब्स्टिट्यूटिंग सभी वैल्यू को, आर रख दो, टी रख दो, आपका फेराडे रख दो, सभी को रखोगे तो ये वैल्यू ये आ जाएगी आपकी, और एम हटा के 1 रखेंगे क्योंकि सॉलिड फेज को यूनिटी लिया जाता है, तो ये आपका 1 आ गया। तो ये फाइनली ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए आपकी ई सेल आ चुकी है, ठीक है।
और अगर सिंपलिसिटी में लिखना हो तो इसको ई और ई नोट करके ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपलिसिटी में। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखा रहा है वो, और नस्ट इक्वेशन जो पूरी है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी, केसी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज यूज टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, यानी ईएमएफ से भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसी के लिए इन्होंने क्या सेटअप बनाया, भाई एट इक्विलिब्रियम अगर मान लो ये रिएक्शन है, मान लो ये रिएक्शन है और कंडीशन क्या है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर आप कह सकते हो राइट अपॉन लेफ्ट का आयन, राइट का आयन ये रहा, लेफ्ट का आयन ये, तो केसी की वैल्यू की है आज की क्लास में हमने किया है। और नेक्स्ट इक्वेशन में अगर आप इसकी जगह पे इसको रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, केसी आ जाएगा, ये आएगा लॉग केसी। और ई सेल की वैल्यू क्या होती है इक्विलिब्रियम पे, जीरो होती है, तो ई सेल की वैल्यू जीरो रख दी हमने। जीरो रखने के बाद यहाँ, जीरो रखने के बाद ये माइनस वैल्यू यहाँ आने के बाद आपका पूरा सेटअप ये बन जाएगा। और सभी की आर की टी की एफ की वैल्यू लिख दोगे तो ये आपका सेटअप ये बन जाएगा जिसका आज हमने न्यूमेरिकल किया। क्लियर? केसी का यूज कहाँ होता है, केसी हमें बताता है अगर मान लो केसी की वैल्यू मोर है तो हमें बताता है कि मोर केसी कब आएगी। भाई सोचना एक बार, जब ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्म हुआ है तभी तो मोर आई है ना, इसका मतलब रिएक्शन खत्म होने वाली है। तो केसी हमें क्या बताता है, द वैल्यू ऑफ केसी हमें बताता है कि लार्ज अमाउंट में अगर केसी है तो रिएक्शन लार्ज एक्सटेंड में खत्म हो चुकी है, प्रोडक्ट ज्यादा बने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करें तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार। नस्ट इक्वेशन के बारे में बताऊं, सिंगल इलेक्ट्रोड, ये सिंगल इलेक्ट्रोड आपका और इसे नस्ट इक्वेशन, अब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। ठीक है, सभी वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या निकाल देगा ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, ई नॉट एम एन पॉजिटिव स्लैश एम इज इक्वल टू क्या, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए ये जो वैल्यू है इसको हम बोलेंगे यहाँ पर नस्ट इक्वेशन, भाई ई सेल होगा होना चाहिए और ऊपर है आपका ई नॉट एम टू पॉजिटिव स्लैश एम और यहाँ पर आ गया माइनस का 0.059 बाई एन लॉग वन अपॉन में एम एन पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा, ये ऊपर वाली ठीक है। ठीक है, बस एम को वन मानेंगे, यहाँ इन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पूरा का माइनस होना चाहिए था और यहाँ पर ई होना चाहिए था, बिल्कुल जो मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, और आगे चलेंगे तो आसान आसान क्वेश्चन में, ये हम कल की क्लास में कर चुके हैं, नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाइए, आपको याद होगा किस फैक्टर पे डिपेंड होता है सेल पोटेंशियल, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, कल की क्लास में हो चुका है, लिख के दिखाइए रिडक्शन पोटेंशियल कैसे इंक्रीज होती है। तो देखो कंसंट्रेशन को अगर आप बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, इलेक्ट्रोड इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ गई तो पूरा आंसर ही ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये भी लास्ट क्लास में हुआ था। नेक्स्ट इक्वेशन लिख के दिखाइए इसकी, तो देखो यहाँ तो पता ही नहीं राइट में आयन कौन है, तो इन्होंने दोनों को ही लिख दिया, राइट कहाँ है आयन नहीं पता तो राइट और लेफ्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन दोनों को ही लिख दिया। अच्छा रिलेशनशिप बताइए ईएमएफ और सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, आज ही क्लास में डेराइव किया है ये। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन इसकी लिख के दिखाइए, ये भी बहुत आसान है, ये भी आपके लिए बच्चों का खेल है। तो ये था आज की क्लास के लिए जो सेटअप है पूरा। अब तो बिल्कुल दिमाग में घुस गया होगा कि क्यों हम इन चीजों को लिखते हैं, क्यों हमारे पास ई नोट सेल के लिए जो फॉर्मूला है वो 0.059 बाई एन लॉग के सी है। ठीक है ना, क्यों जो डेल्टा जी है वो आपके माइनस का एन ई नोट एफ है, क्यों हम मैक्सिमम वर्क को माइनस का डेल्टा जी नोट दिखाते हैं, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया। पर एक ये जो यूज ही नहीं करा है, यूज करियो भी मत क्योंकि ये लेंथ ही है आर टी लॉग के सी, ये भी इससे पहले जो दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे वो थे ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड, ये वाला था। और एक जो सबसे ही जेंट फॉर्मूला है एग्जाम में, इस पे दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये है आपका ई नोट सेल माइनस में 0.059 बाई एन लॉग राइट अपॉन में लेफ्ट का आयन, जैसे जिंक और कॉपर का आयन आ गया था। क्लियर? तो ये आपके सामने जो स्क्रीन है इस पे ये पूरे के पूरे जो फॉर्मूले हैं ये एग्जाम में आपको 3 नंबर देंगे ही देंगे, 100% गारंटी है इस चीज की, इस सेटअप पे तो आएगा ही आएगा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक का, वो कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अगला पोर्शन। और इससे पहले ध्यान से सुन लेना, आपका ना मंडे का जो एग्जाम है वो आपका 30 नंबर का एग्जाम होगा,
आप इसको ऑनलाइन भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके पास पीडीएफ फाइल चली जाएगी। 70 मार्क्स, 70 मार्क्स जो टोटल है उसका पेपर आपको मिलेगा, और आपके पास चॉइस होगी कि आप 1 घंटे में मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना भी अटेम्प्ट कर दो 1 घंटे में, और मेरे पास 1 घंटे के बाद उसे सबमिट कर दो पीडीएफ फाइल, ठीक है ना। तो ये पहली प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो रही है इसी मंडे से, तो मंडे का एग्जाम है, 30 नंबर का, 70 नंबर का पेपर आपके पास आएगा, उसमें से चॉइस होगी, आप कुछ भी अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। तो ये आपका 30 मार्क्स जो है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है इससे, इसके रिगार्डिंग तो पूछ लो भाई, ये टेस्ट में नहीं समझ में आया सर, ये क्या आपने बताया, क्या मतलब है इसका। 70 नंबर का एक पेपर, बहुत बढ़िया ढूंढा हुआ पेपर ऑल इंडिया सीबीएसई का, वो आपके सामने आ जाएगा पीडीएफ फाइल में व्हाट्सएप पे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन विद इन 1 आवर, दिस इज द लिमिट ऑफ योर टाइम। 1 आवर में जितना अटेम्प्ट कर पाओ कर लो, हो सकता है किसी बच्चे के नंबर 30 में से 30 और प्लस में 10 भी आ जाए, यानी 30 में से 40 भी आ जाए, तो नॉट नॉट ए बिग डील, ये होता है आमतौर पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे, 30 से शुरुआत हो रही है हमारी, फिर 40 पे जाएगी, 50 पे जाएगी, फिर 60 पे जाएगी, फिर 70 पे जाएगी, और 70 वाले 2 होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे। टाइमिंग ऑफ द टेस्ट, टाइमिंग ऑफ द टेस्ट जो है वो आपको भाई बता दी जाएगी, आपका जो भी कन्वीनियंट टाइम हो वो आप यूज कर सकते हो, 7 to 8 भी कर सकते हो और 3 to 4 भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल ये फुल सिलेबस होगा, मैं कह रहा हूँ 70 नंबर का सेशन एंडिंग का सीबीएसई या ऑल इंडिया का एग्जाम आपके सामने रखा होगा, 1 घंटे के अंदर आपको जितना अटेम्प्ट कर पाओ उसमें से अटेम्प्ट कर दो और मेरे पास सेंड कर दो, मैं आपके आंसर शीट चेक करके सेंड कर दूंगा आपके पास, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करो अगर आपको आगे जाना है तो भाई, ठीक